जब से डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ये घोषणा की थी कि वो रणवीर सिंह के साथ फिल्म सिम्बा बनाना चाहते हैं, तभी से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म सिम्बा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पहली बार रणवीर सिंह पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। रणवीर सिंह के अलावा सारा अली खान भी दमदार किरदार में साथ दिखेंगी। फिल्म सिम्बा साल 2015 में आई तेलुगु फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक बताया जा रहा है। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अली खान के अलावा सोनू सूद और सिद्धार्थ जाधव भी नजर आएंगे। और तो और, फिल्म में अजय देवगन भी मेहमान की भूमिका में है। चलिए जानते हैं सिम्बा फिल्म और इसके ट्रेलर से जुड़ी पांच खास बातें। सिम्बा को रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम रिलीज का अगला पड़ाव माना जा रहा है। रणवीर को पुलिस की वर्दी में देखकर पहला फील भी यही आता है। फिर इसमें कई मराठी एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। रणवीर और सारा की केमिस्ट्री भी इस फिल्म का खास पहलू होगी। रणवीर को पीरियड फिल्मों में लगातार देखने के बाद ऐसे लुक में देखना उनके फैंस को पसंद आने वाला है। साथ ही उनके लिए आगे की राह भी खुल जाएगी। जिन लोगों ने सिम्बा का ट्रेलर देखा है वो यही बात कर रहे हैं कि इस बार रोहित शेट्टी ने कार उड़ाने पर फोकस नहीं किया है, जो उनका ट्रेडमार्क है। इससे जाहिर है कि रोहित दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आने वाले हैं। 28 दिसंबर को रिलीज होने वाली सिम्बा में कई कैमियो हैं। अजय देवगन के अलावा इसमें गोलमाल की बाकी कास्ट भी नजर आएगी। बेशक ऐसे में कई स्टार फैक्टर फिल्म का आकर्षण बढ़ा सकता है। तो देखते हैं कि ये तमाम बातें रणवीर सिंह की सिम्बा के लिए लकी साबित होती हैं या नहीं। उम्मीद है दीपिका पादुकोण यानी मिसेस सिंह ने इस फिल्म की सफलता की प्रार्थना शुरू कर दी होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।